हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सीखेंगे टेराकोटा आर्ट। तो उसके लिए हमें मटेरियल चाहिए, एक प्लाईवुड। अगर आपके पास प्लाईवुड नहीं है तो फिर आप एमडीएफ वुड भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको चाहिए टेराकोटा क्ले। ये रेडीमेड क्ले इजीली मार्केट में मिल जाता है, इवन आप अमेज़ॉन से भी ले सकते हैं। मैंने यही यूज़ किया। तो इसको आपको अभी कट करके मैं निकालती हूँ। और इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से डो को नीड करना है, सॉफ्टली अपने हाथों से नीड करो। ये डो इतना बढ़िया है कि विद इन 24 आवर्स ये ड्राई होकर के और रेडी भी हो जाएगा जब आपका प्रोजेक्ट बनेगा उसके बाद। तो आपको ये ध्यान रखना है, जितना डो चाहिए उतना ही निकालो और बाकी का आप रख दो उसको बंद करके एयर टाइट कंटेनर में। तो ये मेरा डो मैं थोड़ा सा नीड के करके गूंद करके एंड आई विल बी रोलिंग इट विद द रोलिंग पिन। सो थोड़ा सा अच्छे से नीड करके जब आपको सॉफ्ट लगने लगे ना, तब आप इसको अपने हिसाब से करो। ये आर्ट जो मैं आपको आज सिखा रही हूँ, ये मैंने किसी का ऐसे ही बना हुआ ऑलरेडी कहीं देखा था। सो आई जस्ट थॉट ऑफ ट्राइंग माई ओन वेरिएशंस एंड अपने स्टाइल में थोड़ा सा कुछ बनाऊँ। तो उससे मुझे आइडिया ज़रूर मिला था, बट शी नेवर शेयर्ड हाउ शी मेड इट। वो थोड़ा डिफरेंट था ऑफकोर्स, बट मे बी दिस इज़ माई फर्स्ट ट्रायल। आफ्टर दिस अगेन आई विल ट्राई। वाई आई एम सजेस्टिंग MDF बोर्ड या फिर वुडन प्लाईवुड, बिकॉज ये ड्राई होने के बाद थोड़ा सा श्रिंक होगा क्ले और स्टिफ हो जाएगा। तो फिर अगर आपने कोई भी कैनवस बोर्ड या ऐसा कुछ लिया है तो वो उसका शेप चेंज हो जाएगा, बोर्ड का शेप। तो अब हम इसे, मैंने रोल कर लिया है और मैं इसको अब कट करूँगी इन लीफ शेप। बहुत सारे लीव्स मैं कट करूँगी। मेरे पास ये कुकी कटर्स हैं, इससे मैं इनको कट करने वाली हूँ। और ये देखो इतना सुंदर सा बन गया। ऐसे में आई विल ट्राई टू मेक मैक्सिमम ऑफ द शेप्स। और ये कुछ बड़े और कुछ छोटे साइजेस में मैं कर रही हूँ। Enjoying my filter coffee and also working with this. तो ये बहुत सारे शेप आप इसमें से कट कर लो जितना आपके पास ये है। जो भी एक्स्ट्रा आपको साइड से क्ले दिख रहा है उसको आप कट करके निकाल सकते हो, जैसे जस्ट वाइप करोगे तो वो स्मूथ बन जाएगा। तो साइड से आप उसको स्मूथ कर लें। और ये पूरा क्ले जो है मैं अब छोटे बड़े ऑल साइजेस में आई विल बी यूजिंग इट फॉर द लीफ मेकिंग। अब आपने जब बना लिए हैं तो उसको कुछ देर के लिए ड्राई करने के लिए छोड़ दो। डोंट वरी, ये कंप्लीट ड्राई नहीं होगा। कंप्लीट ड्राई होने के लिए इट नीड्स मोर देन 24 आवर्स, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि ड्राई हो जाएगा तो कैसे चिपकाएंगे। वैसे ड्राई होने के बाद भी चिपका सकते हैं, दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन। क्योंकि जब ये ड्राई हो जाएंगे ना तो ये थोड़े से श्रिंक हो जाएंगे। ओके, अब मैं इस बचे हुए डो के साथ, बची हुई मिट्टी के साथ मैं बनाऊंगी थोड़े से फ्लावर्स। और कुछ मैं अपने हाथ से कट करके रैंडम कटिंग ऑफ लीव्स भी बनाने वाली हूँ। तो दो से चार लीव्स मैंने कट करके अपने हाथों से बनाऊंगे। अब मेरे को फ्लावर बनाना है तो उसके लिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा उसको सॉफ्ट मैंने नीड करा है। और अब मैं, आप ये ध्यान रखना कि आपने जितना थिकनेस अपने लीव्स के लिए रखी है, ट्राई टू कीप ऑलमोस्ट द सेम। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है मगर ज़्यादा नहीं, तो आपकी वो जो पेंटिंग है या वो जो वॉल डेकोर बनाओगे आप उसमें वो दिखाई देगा, पतला मोटा एंड ऑल दैट। ये मेरे पास जो फ्लावर शेप के कटर्स हैं, ये हैं फोंडेंट कटर्स। आई बॉट इट फ्रॉम द मार्केट एंड ये ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं अमेज़ॉन में। ज़रूरी नहीं है आपको इस शेप में कट करना है, आप किसी भी शेप में कर सकते हो। लेकिन क्योंकि ये फोंडेंट के कटर्स हैं तो ये आपकी मिट्टी को सिर्फ शेप देगा और एक कटिंग नहीं देगा। तो आपको क्या करना है इसके लिए, आपके पास इसमें कुकी कटर्स होना चाहिए राउंड शेप का, जिससे कि आप उसको, उस डिज़ाइन को कट करके निकाल सको। तो मेरे पास इस साइज़ का है और मैं इसको इसमें ऐसे डाल के और कट करूँगी तो मेरे राउंड फ्लावर्स बनेंगे। दो आई वॉन्टेड द बेटर शेप,
मगर आई वॉज हैविंग नो अदर ऑप्शन. देखो ये राउंड मैंने कट करा है और ये ऐसे निकल गया. सी स्टिल इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल. वैसे मैं सारे का निकाल के और बहुत सारे फ्लावर्स भी कट कर रही हूँ. अब मैंने इसको अरेंज करा ऐसे. डोंट वरी, अब मैंने स्टिक नहीं किया है, बट मैं जस्ट अरेंज करके देख रही हूँ कैसा. अब क्योंकि मैंने सिर्फ लीव्स बनाई हैं तो थोड़ा सा जो बचा हुआ क्ले था उसको मैंने रोल करके ऐसे स्टेम जैसा भी बनाया और फिर मैंने इसको लगा दिया. तो अब आपकी मर्जी, आप ट्री बनाओ चाहे जो बनाओ उसके साथ. तो क्योंकि फर्स्ट टाइम जब कोई बनाता तो इतने आइडियाज़ नहीं आते. मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ फेविकॉल ग्लू. दिस इज़ फेविकॉल SH. ये मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने लिया है मैंने लिया है प्लाईवुड बोर्ड. तो वुड बोर्ड के लिए फेविकॉल SH ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, ये सोच के मैंने किया है. अब इनको जो मैंने अरेंज किया था उसी हिसाब से मैंने इसको चिपका दिया है. एंड आई विल लीव इट फॉर ड्राइंग से फॉर 10 आवर्स मे बी, या थोड़ा जब तक कि आपका फेविकॉल ट्रांसपेरेंट ना हो जाए. तो इसको अब हम छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए. ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा मत करना क्योंकि अभी ये स्लिपरी मोड में है. इसमें फेविकॉल लगा है, देखो मैं टच कर रही हूँ तो भी थोड़ा सा स्लिप हो रहे हैं लीव्स. तो इसको आप छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए. देखो आई थिंक ये ड्राई हो गया है. और इसमें मैंने ये ऑल फिक्स की हेल्प से कुछ ग्लास बीड्स भी लगा दिए हैं. इट इज़ वेरी इजी. आपको कैसे करना है, ऑल फिक्स को स्प्रेड करते जाओ जहाँ जहाँ पे आपको बीड्स चिपकाने हैं. ये वाले सिंपल बीड्स हैं जैसे हमारे ज्वेलरी में यूज़ होते हैं. तो ऑल फिक्स को आप डालते जाओ और वहाँ पे आप अपने बीड्स को स्प्रिंकल करते जाओ तो वो वहाँ पे चिपक जाएगा. देन यू हैव टू लीव इट फॉर ड्राइंग. तो ये देखो आप, मेरा पूरा ड्राई हो गया है. एंड आई हैव ऑल्सो एडेड सम ब्यूटिफुल स्टड्स ऑन द फ्लावर्स लाइक दिस हियर. और श्रिंक होने के बाद उसमें और जगह हो गई थी तो आई एडेड सम मोर ग्लास बीड्स. इफ यू हैव एंजॉयड द वीडियो डू सब्सक्राइब. Till next video, bye bye, take care.